हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ना मैं यहाँ पे कर रही हूँ पैकिंग। रात के बज रहे थे 11:30-12 बज रहे थे और मैं यहाँ पे कर रही थी पैकिंग, कपड़े वगैरह रख रही थी बच्चों के और अपने। और आप लोग सोच रहे थे ना कि मतलब कहाँ जाना होगा, तो अभी आगे मैं बताऊंगी कि कहाँ जाना है हम लोगों को। बिल्कुल अचानक से प्रोग्राम बन गया, मतलब कुछ प्रोग्राम नहीं था। हम लोग साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, पहले से कुछ प्लानिंग नहीं होती है, एकदम अचानक से ही प्रोग्राम बनता है। कहीं पे भी जाना हो ना तो पहले से कुछ भी प्रोग्राम नहीं होता है, अचानक से ही जाना होता है। तो वही मैं ना यहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रही थी और सामान ज़्यादा नहीं था, एक एक सेट कपड़े रख ली थी बच्चों के अपने। और आप लोग घड़ी में टाइम भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ना लगभग बैग तैयार हो चुका है। अनु यहाँ पे जग लेटी थी बट जगी हुई थी। और ये रात के देखिए कितने बज रहे हैं, 11:30। हाँ 11:30 बज रहे हैं। पहले कुछ पता नहीं था, अचानक से प्रोग्राम बन गया है जाने का। और रात को ही मैं पैकिंग कर रही हूँ, 11:30-12:15 हो रहा। और पैकिंग हमारी हो चुकी है, अभी मैं जा रही हूँ ना सब में तेल लगाने। और यहाँ पे ना अंश ले जाके सामान वगैरह रख रहा है थोड़ा सा। और ये ना थोड़ा सा कूड़ा था तो वही मैं दे रही थी उसको डालने के लिए, तो वही डाल के आ गया था वो, क्योंकि रहो नहीं ना तो फिर घर बंद होता है और फिर से ना बदबू सी आने लगती है। इसलिए मैं कूड़ा वगैरह ना जहाँ भी जाती हूँ पहले सबसे पहले कूड़ा ही फेंक देती हूँ, वरना फिर बदबू आने लगती है। और अंश ना बॉटल वगैरह रख के फिर हम लोग निकल गए थे। रात हो गया था, रात में मैं फिर बाहर निकले थे ना तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था। हम लोग 3:30 बजे निकले थे और अभी तो खैर सुबह हो चुका है। सुबह हुआ था तो फिर उसके बाद से मैं वीडियो बनाई थी यहाँ पे। और यहाँ पे ना हम लोग इस मतलब ऐसे ही होटल था, ज़्यादा ऐसा नहीं था, तो हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए थे और काफ़ी भूख भी लग गया था क्योंकि कुछ भी खाया नहीं था, सिर्फ चाय पी के और निकल गए थे हम लोग। और क्या होता है ना सुबह, क्योंकि खाया नहीं जाता है मतलब सुबह खा नहीं पाते हैं ऐसा होता है, और कहीं जाना हो तो और नहीं खा पाते हैं हम लोग कुछ भी। गाइस तो हम लोग ना यहाँ पे रुके हुए थे चाय पीने के लिए और दूर दूर तक ना कोई नहीं है और बहुत तेज़ धूप आ गया है। अभी टाइम हो रहे हैं 7:30 सुबह के और धूप ना बहुत तेज़ आया हुआ है। और दूर दूर तक ना इधर सिर्फ खेत ही खेत है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये पूरा मतलब ऐसे ही है यहाँ पे। और यहाँ पे ना अनु और हम मतलब सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। भूख सी लग गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो भूख नहीं लगती है लेकिन जब आप सुबह उठ जाओ ना तो जल्दी भूख लग जाता है, लेट उठो तो फिर लेट ही होगा। वैसे यहाँ पे ना चिड़िया है, बहुत प्यारी लग रही है। गाइस तो हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, अब निकल रहे हैं। उधर चलो और यहाँ पे ना हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद से निकल लिए थे। और ये देखिए पहाड़ ऐसे ना बहुत सारी पहाड़े थी ऊंची ऊंची और यहाँ पे ना झंडे भी मिल रहे थे बहुत सारे। हम लोग मंदिर के पास पहुँच ही गए हैं, पहुँचने वाले हैं। और ये लोग ना बहुत लोग जो है कि पैदल जा रहे थे झंडा लेके, बगैर चप्पल वगैरह का, मतलब नंगे पाँव जा रहे। और यहाँ पे आप लोग गेट देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। जो लोग नहीं समझे हैं, जो लोग मतलब जिनको नहीं पता है, मैं बता दूँ कि हम लोग आए थे खाटू श्याम मंदिर, खाटू जी।
और जो कि बहुत ही अच्छा मंदिर है, काफ़ी नामी मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी लोग झंडा ले लेके जा रहे हैं। गाइस तो हम लोग ना आ चुके हैं धर्मशाला में और जा रहे हैं अभी नहाने, उसके बाद से फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। यहीं पर रख दो, अभी मंदिर जाना है नहाने धोने के बाद से, और उसके बाद से मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।